वेलकम टू लाइनर्स टू व्हीलर बाइक सर्विस। ये है एवेंजर 220। तो ये बाइक ज़्यादा नहीं चली, अराउंड 6700 किलोमीटर। तो इसमें हम बेसिक सर्विस नहीं करेंगे, इसमें हम डिटेल में चेकअप करेंगे। पहले भी जितने सर्विस हुआ था लोकल सर्विस सेंटर, और मतलब इसमें हम टोटली थ्रोली चेकअप करेंगे। इन सारी बाइकों में बैटरी के ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इस बाइक में किक स्टार्ट नहीं है। अगर बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। आपने शायद नोटिस किया होगा इसका बैटरी का टर्मिनल में इतना ज़्यादा रस्ट आ गई थी, तो ये बाइक कभी भी बंद हो सकती थी। एयर फिल्टर में एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें इतना ज़्यादा ऑयल दे दिया है जो प्रॉपर एयर सक्शन नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये माइलेज भी कम दे रही थी। इसमें ऑयल देना नहीं चाहिए। हम टोटली इलेक्ट्रिक टर्मिनल को क्लीन कर लेंगे, टोटली क्लीन कर लेंगे, नया एयर फिल्टर इंस्टॉल कर देंगे। ऐसे तो इसमें ग्रीजिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये बाइक ज़्यादा चली नहीं है, ज़्यादा दिन से मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम इसको NLGI3 ग्रेड का ग्रीस, लिथियम बेस ग्रीस यूज़ कर लेंगे इसमें, तो इसमें और दिक्कत नहीं आएगा। ये ग्रीस यूज़ करने से आपका बियरिंग का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका रियर ब्रेक शू भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसमें अनइवन तरीका से इसका ब्रेक घिस गया है और इसे हार्ड भी हो गया है। हम ज़्यादातर बाइकों में OEM ओरिजिनली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसमें भी हम टोटल सभी ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हमने प्रॉपर तरीक़े से रियर का ब्रेक शू फिटिंग कर लिया है, इसको चेक भी कर लेंगे एक बार। हमने प्रॉपर तरीक़े से व्हील का अलाइनमेंट और चेन का एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। इस बाइक में इंजन ऑयल को फ्लैश करते हैं, लेकिन ये बाइक ज़्यादा चली नहीं है, इसलिए हम इस बार के लिए इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट बार इसको इंजन ऑयल को फ्लैश करने वाले हम। और इसमें हम फुल्ली सिंथेटिक मोतुल का 700-20W50 इंजन ऑयल डालने वाले हैं। इस बाइक का कस्टमर ने बाइक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, इसलिए बोला है इसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। और हम बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसका फ्रंट का ब्रेक शू को भी रिप्लेसमेंट करने वाले हैं हम। शायद आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों हम आपको बता रहे हैं, आप तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम हमारे पास ये सब सर्विस कराए। आप भी अगर बाहर भी कहा किस जगह पे भी आप सर्विस कराए, तो आपका एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा कौन सा चीज़ क्या करना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा आपको एडवांटेज मतलब दे रहे थे कि एटलीस्ट हम क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉप लेवल का सर्विस दे सके आपको। आपको भी अगर हमारे काम अच्छे लगे तो आप भी विजिट कर सकते हैं हमारे वर्कशॉप पे, हमसे काम करवा सकते हैं आप। तो पहले आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसका स्पार्क प्लग की हालत ही बहुत ही ख़राब निकला, तो हम इस दोनों स्पार्क प्लग को रिप्लेस करेंगे। हम इसका स्पार्क प्लग की कैप में थोड़ा सा पेट्रोलियम जेल ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें पानी अंदर चला जाता है, तो ये पेट्रोलियम जेल ऐड करने से पानी अंदर नहीं जा सकते। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। और इस बाइक में कस्टमर ने बोला था कि माइलेज नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको एयर फ्यूल मिक्सर को भी हम एडजस्ट कर देंगे, प्रॉपर ट्यून कर देंगे इस पे।
आपको अगर हमारे काम अच्छे लगे और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।